भगवत गीता 6th चैप्टर और 37th वर्स। सो इफ यू कैन रिपीट आफ्टर मी, आप रिपीट कर सकते हैं। इज इट डन? अयति ही श्रद्धयोपेतो योगात् चलितः मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम् काम गतिम् कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच, स्पीकिंग अगेन, अयति ही श्रद्धयोपेतो चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम् काम गतिम् कृष्ण गच्छति। ओके, ये अर्जुन ने श्लोक बोला है और अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। सो तात्पर्य मैं अभी पढ़ के बताऊंगा आपको, बट पॉइंट है कि अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा है, अर्जुन ने कई क्वेश्चन पूछे गीता में और वो क्वेश्चन हमारे ही क्वेश्चन है। इससे पहले एक टॉपिक चल रहा है इसके अंदर, अर्जुन का एक क्वेश्चन था, इससे पहले एक और क्वेश्चन था अर्जुन का कि भगवान माइंड कैसे कंट्रोल किया जाए। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवातृढम्। मन चंचल है, हटीला है, अत्यंत बलवान है, प्रमाति बलवादृढम् बल है, अतः मुझे इसमें वश करना वायु को वश करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन का क्वेश्चन बहुत वैलिड है, हम सबका क्वेश्चन है, नहीं माइंड अपने वश में कैसे है, हमारे कंट्रोल में माइंड नहीं है, मन चंचल है। अर्जुन कह रहे हैं कृष्णा मन चंचल है। चंचल मतलब पता है क्या होता है? लक्ष्मी जी का नाम है चंचला, औरतों को चंचल बोला जाता है, औरतें स्त्री चंचल होती नहीं होती हैं, कभी कुछ सोचती हैं कभी कुछ सोचती हैं, माइंड इतना स्थिर नहीं होता क्योंकि इमोशनल होती है, फीलिंग्स इमोशनल होती है नहीं होती है। सो लक्ष्मी जी को भी चंचल बोला जाता है, चंचला, क्योंकि लक्ष्मी जी भी एक जगह टिकती नहीं है, आज आपके पास है कल किसी के पास है, एक जगह नहीं रहेगी वो कभी भी। ऐसे मन है, एक जगह नहीं टिकेगा, आप लेक्चर सुन रहे हो अभी, सुनते सुनते कुछ और सोचने लगोगे, मन भाग जाएगा कहीं और, फिर आपको पता लगेगा अरे लेक्चर चल रहा है वापस लाओ, ऐसा होता है नहीं होता है? या आप चैंटिंग कर रहे हो, चैंटिंग के वक्त हरे कृष्ण मुंह चल रहा होगा, मन अमेरिका, हरे कृष्ण कृष्ण अमेरिका घूम रहा है मन, वो दो तीन मिनट बाद याद आएगा मैं चैंटिंग, मैं कपूरथला में अमेरिका में नहीं हूं और चैंटिंग कर रहा हूं हरे कृष्ण ये क्या होता है। सो मन, शास्त्रों में लिखा है मन में इतना बल है जितना भगवान में, मन भगवान की तरह बलवान है, मन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। जब अर्जुन के लिए मुश्किल है तो हम जैसे लोगों के लिए तो ऑलमोस्ट असंभव है, बट होपलेस केस नहीं है। मगर एक्चुअली अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण सिर्फ चंचल ही नहीं है मन, प्रमाथी, प्रमाथी मतलब पागल भी है, एक्चुअली प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रमाथी मतलब पागलपन, मन पागल भी है, क्योंकि मन ऐसा नहीं एक जगह स्थिर नहीं होता, सिर्फ यही नहीं है, मन हमें मजबूर करेगा पाप करने के लिए, ये भी बात है मन में, है नहीं? अब अच्छा काम करोगे मन कहेगा नहीं,
आप अच्छे विचार लाना चाहोगे, मन कहेगा नहीं, बुरे विचार सोचो। सो मन पागल भी है, एक तो भागता रहेगा उधर इधर और हमें गलत डायरेक्शन में ले जाएगा हमेशा। और सिर्फ यही नहीं, अगर मन को रोकने की कोशिश करोगे तो बलवा दृढ़म, बलवान है। मन को रोकने की कोशिश करोगे तो मन आपको रोक देगा। जैसे घोड़े को, घोड़े की अगर लगाम खींचो ज्यादा तो क्या होगा, भिदकता नहीं है, ज्यादा खींचोगे तो गिरा देगा आपको। तो मन को ज्यादा ही रोकने की कोशिश करोगे तो मन आउट हो जाएगा, बिल्कुल पागल हो जाओगे। आप कहोगे भैया कुछ नहीं हो रहा यार, दिमाग खराब हो गया। बलवा दृढ़म, हटीला है, मानता नहीं बात। कितनी बार हमने मन को बोल दिया, सॉन्ग भी है भजाऊ रे मन श्री नंदा नंदन, कि हे मन कृष्ण की भक्ति करो, मगर मन हटीला है। लो मैं गर्लफ्रेंड की भक्ति करूंगा, ऐसे ही है ना, दैट्स द पॉइंट। सो या मैं धन की भक्ति करूंगा, सो दैट्स व्हाट इज माइंड ऑल अबाउट। सो अर्जुन ने कहा भगवान ये जब तक ये माइंड कंट्रोल नहीं आएगा तब तक भक्ति का क्वेश्चन है ही नहीं। आप जब माइंड ही कंट्रोल नहीं आ रहा तो भगवान में मन क्या लगेगा, नाम क्या लोगे, पढ़ोगे क्या, कुछ घुसेगा ही नहीं माइंड में। सो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, भगवान पहले बताइए कि माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए। प्रॉब्लम ये, सो भगवान सॉल्यूशन बता रहे गीता में अभी इस अध्याय में, और कृष्णा सॉल्यूशन बता रहे हैं यहां पर। कृष्णा कह रहे हैं इससे पहले वाले श्लोक में, असंशय महाभाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। कृष्ण कह रहे असंशय, अर्जुन इसमें कोई संशय नहीं है कि मन को निग्रह करना बहुत, मैं मानता हूं, आई अंडरस्टैंड, देवी देवताओं के लिए भी मुश्किल है, तो आफ्टर ऑल तुम लोग तो मनुष्य हो। अभ्यास है ना तो कौन थे, बट लेकिन अभ्यास है ना, अभ्यास के द्वारा वैराग्य ना चतुष्टयताम, और वैराग्य के द्वारा, दो चीजों के द्वारा इस पागल मन को आप अपने वश में ला सकते हो, अभ्यास और वैराग्य, ये दो सीक्रेट है। अगर आपने समझ लिया तो इसका मतलब आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया। मगर प्रॉब्लम यह कि अभ्यास का मतलब क्या है और वैराग्य का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन है। किस चीज का अभ्यास करें? सो कृष्ण कह रहे हैं ओके फाइन, भक्ति का अभ्यास करने से माइंड बहुत जल्दी कंट्रोल आ जाएगा। हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, न कृष्णा तो कर सकते ना हमारे माइंड को, नहीं हम नहीं कर सकते, भगवान तो कर सकते हैं। भगवान के लिए तो, भगवान तो असंभव को भी संभव कर देंगे, इसलिए कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश नाम सुना है? ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी है, जो हमारे माइंड को कंट्रोल, उन्होंने तो माइंड बनाया है, जिसने माइंड बनाया है वो माइंड को रोक भी सकता है, माइंड को चलाने वाले भी भगवान ही, तो रोकने वाले भी वो हो सकते हैं। हम नहीं कर सकते कुछ, हमारे तो आउट ऑफ कंट्रोल है। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, मेरी भक्ति करो, भक्ति के नियम फॉलो करो, दैट्स द पॉइंट। अभ्यास का मतलब होता है फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, है नहीं? तो अगर मैं आपको कहूं कि आपको मान लीजिए तबला सीखना है, पंजाब में तबला फेमस है नहीं, पंजाब में तो तबले के बहुत घराने भी हैं पंजाब में। सो सपोज आपको तबला सीखना है, सो आप टीचर के पास गए, टीचर का अभ्यास करो, तो क्या करोगे तुम? अब उसमें अभ्यास का मतलब क्या हुआ कि टीचर जो आपको मंत्र सिखाएगा उसको फिर मंत्र के अकॉर्डिंग बजाना। मंत्र होते हैं नहीं तबले में, सबको पता ही नहीं पता है, सिर्फ भक्ति में मंत्र नहीं होता, उसमें भी तबले में मंत्र होते हैं। तो कैरवा, दादरा, तीन ताल, एक ताल, किसी को तबला आता है, किसी को आता है अगर कोई सीख रहा है? सो ये सारी ताले होती है, उसके फिर बोल होते हैं, धागी ते के ताके धेना,
ये मृदंग के तबले के ऐसे ही होते हैं. सो दैट्स बोल्स. तबले का बोल होता है वैसे. धा धिन एक मिनट का धा धा एक सेकंड धा. हरे कृष्ण भूल गया मैं मुझे बचा के आ जाएगा. हाँ धा ता धिन धिन ता ता फिर तक ता तिन तिन ता ऐसे धा ता तिन तिन ता तक ता तिन तिन ता सब बचाओगे. ये फेमस फेमस ये भजन भजन में चलता है भजनी ताल. सो ठीक है अब उसने आपको सिखा दिया मगर प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना. आपको बोलना पड़ेगा धा धिन धिन ता फिर बजाना पड़ेगा ता तिन तिन ता धा तिन तिन ता तिन तिन ता. सो आप बोलते रहोगे फिर बजाते रहोगे आ जाएगा. सो कुछ रूल्स है नहीं मृदंग के रूल्स है नहीं. रूल से बजाना पड़ेगा आपको. रूल से प्रैक्टिस करोगे मृदंग आ जाएगा. ऐसी भक्ति के भी कुछ नियम है. नियम फॉलो करोगे तो माइंड कंट्रोल आ जाएगा. इसलिए कई लोग मंदिर जाते हैं कई लोग भक्ति भी करते हैं मगर फिर भी कहते हैं हमारा मन नहीं लगता. कैसे लगेगा? क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं अभ्यास प्रैक्टिस. जब तक नियम पालन नहीं करेंगे तब तक मन नहीं लग सकता. इम्पॉसिबल. और भक्ति का सबसे बड़ा नियम क्या है? भक्ति का सबसे बड़ा नियम है कि दो नियम है हमेशा कि हमेशा भक्तों का संग करो. यह सबसे पहला नियम है. इसको कभी मत तोड़ना. सो भक्तों का संग कभी मत छोड़ो. क्योंकि या तो भक्तों का संग करोगे या भक्त. यू हैव टू चूज. नहीं चॉइस ही रहेगी. सो या तो आप इस प्रोग्राम में आओगे यहां पे नहीं आओगे तो क्या कर रहे होगे घर में? घर में क्या करोगे? घर में आप टाइम वेस्ट करोगे नहीं मोस्टली. या तो सो जाओगे या टीवी देख लोगे या इधर उधर की बात कर लोगे. यहां आ गए चार से पांच यहां आ गए तो एटलीस्ट एक घंटा आपका मन भगवान में नॉलेज मिल जाएगी. तो ये एक नियम है भक्तों का संग कभी मत छोड़ना. चाहे कुछ भी समझ नहीं आ रहा फिर भी वहां घर में सोना यहां आके सो जाओ क्या फर्क पड़ रहा है? अगर सोना ही है भाई यहां आके सो जाओ. एटलीस्ट भगवान के भक्तों के साथ तो सो जाओ क्या फर्क पड़ता है? नींद आ जाएगी. कभी तो नींद खोलेगी बीच में क्या कह रहा है वो कृष्णा कृष्णा दिमाग में चलेगा फिर नींद आ जाएगी. तो क्या कह रहा है कृष्णा? ओके गुड. दो बार कृष्णा तो जाएगा कान में. सो दैट्स गुड आइडिया नॉट बैड. ये पहला नियम है. और दूसरा नियम है कि माला पे भगवान का नाम लेना. ये दूसरा नियम है भगवान का नाम लेना वो भी माला पे. सो माला पे लेना बहुत जरूरी है क्योंकि माला पे नहीं लोगे तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा. डिसिप्लिन इज अ की टू सक्सेस. हर चीज में कुछ ना कुछ डिसिप्लिन होता है. अगर आप अपने मन से लेते रहोगे कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे मन में कर रहे हो. मन में नाम ले रहे हो तो मन में रोटी भी खा लो. दैट्स ऑल. सो जो शास्त्रों में जो लिखा है हमें वो फॉलो करना चाहिए नहीं जो टीचर कह रहा है वो करना चाहिए. सो जितने भी संत हैं सारे संतों के पास माला थी. देखते नहीं आप सारे संतों के पास अपनी अपनी माला होती है. फोटो में भी माला होती है सबके पास माला होती है क्योंकि इसके पीछे साइंस है बहुत बड़ी. सो दूसरा नियम है कि माला पे आप भगवान का नाम लो और कुछ नियमित माला करो. एक माला दो माला फिक्स्ड फिक्स्ड. अगर आपने दो चीज कर ली है भक्तों का संग और भगवान के नाम माला पे भगवान का नाम तो इसका अभ्यास करते रहोगे अपने आप माइंड कंट्रोल आ जाएगा. अपने आप देखना. अभी जैसे आप लोग यहां पर आए हो जो नए नए लोग होते हैं ना जो पहली बार प्रोग्राम में आते हैं उनका माइंड ज्यादा लगता नहीं मतलब चंचल होता है ना भागता है फिर आता है फिर भागता है फिर आता है फिर कंफ्यूज रहते हैं. मगर जो लोग काफी टाइम हो जाता है तो माइंड लगने लगता है नहीं थोड़ा फर्क पता लगने लगता है. सो अभ्यास दिस इज फर्स्ट सीक्रेट अभ्यास.
भक्तों का संग करोगे तो भक्तों का संग में क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा? नहीं, ज्ञान ही असली प्रसाद है, भगवद गीता का ज्ञान है। प्रसाद भी मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है, बट असली प्रसाद ये जो अभी आपको मिल रहा है, गीता का ज्ञान का प्रसाद, ये ज्यादा उत्तम है। वो ये सर्वोत्तम है, वो भी उत्तम है, मगर ये सर्वोत्तम है, क्योंकि अगर सुनोगे नहीं तो उस प्रसाद की भी वैल्यू खो दोगे, है नहीं? सो इसलिए प्लीज, कृष्णा कह रहे हैं दो चीज हमेशा ध्यान में रखो, ओके गुड। दूसरी सीक्रेट बता रहे हैं, वैराग्य, माइंड कंट्रोल करना है तो वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य क्या है? दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं वैराग्य की। सो कई लोग बोलते हैं वैराग्य का मतलब है, योगी लोग कहते हैं वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़ दो, यही कहते हैं ना योगी, घरवार, पैसे, सब कुछ छोड़ के गुफा में चले जाओ, हिमालय, और ध्यान लगाओ, वो योगियों के हिसाब से वैराग्य। और जो जो क्या कहते हैं, जो भोगी होते हैं, सर अमेरिका जाओगे ना वहां पे भी कॉन्सेप्ट है मिनिमलिस्ट, तो वो भी वैराग्य की बात करते हैं। जो अभक्त होते हैं उनके हिसाब से वैराग्य है कि भाई सादा जीवन जिए, होता नहीं होता है? जो अच्छे लोग होते हैं, हम सादा जीवन जीते हैं, हमारे पास तो एक पजामा एक कुर्ता है, दो पजामे दो कुर्ते, और ज्यादा पैसे भी नहीं है, हम तो देखो चल के जाते हैं, तो वे वैराग्य समझते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार। मगर भक्ति के अनुसार वैराग्य बिल्कुल अलग है। गीता की डेफिनेशन वैराग्य की अलग है बिल्कुल। गीता के अनुसार वैराग्य का मतलब है कि कोई बता सकता है गीता के अनुसार वैराग्य का मतलब क्या है? आप तो गीता पढ़ चुके हो, एक बार हो चुकी है, क्या है वैराग्य? गीता के अनुसार वैराग्य का मतलब क्या है कि निर्बंध कृष्ण संबंध है युक्त वैराग्य मुच्यते। गीता के अनुसार वैराग्य है कि इस संसार में काम करना, इस संसार की चीजें इस्तेमाल करो, छोड़ो नहीं, मगर किसके लिए इस्तेमाल करो? भगवान के लिए। छोड़ना क्या है? छोड़ना चीज नहीं है, छोड़ना है आपका गलत विचार कि मेरी, ये वैराग्य, ये जो स्टूपिड आइडिया है ना कि मेरी है और मेरे लिए, वो छोड़ना है। सब चीज लो और भगवान की सेवा में लगा दो, वो असली वैराग्य हो गया, वरना बाकी सब झूठा वैराग्य। हम क्यों छोड़े माइक? माइक भी हम भगवान की सेवा में लगा देंगे, सिंपल हो गया। सो इसलिए कृष्णा कह रहे दो सीक्रेट है, अभ्यास और वैराग्य। तो शरीर से भागने की जरूरत नहीं है, पैसे से भागने की जरूरत नहीं है, पैसे को आप लो कृष्ण की सेवा में लगाओ, अपने शरीर को आप लो किसकी सेवा में लगा दो? योगी ज्ञानी ऐसा नहीं करेंगे, योगी ज्ञानी अपने शरीर को सुखाएंगे, उपवास करेंगे, खाना बंद कर देंगे, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर बेकार। हमारे यहां से शरीर बेकार नहीं है, हमारे यहां से शरीर वैसे बेकार तो है मगर यूज भी है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई आदमी का है, ये कौन सा आपका स्टेट, पंजाब बैंक क्या हो? पंजाब बैंक होता है, स्टेट बैंक ऑफ पंजाब, स्टेट बैंक ऑफ पंजाब, पटियाला, पंजाब का कौन सा बैंक होता है? पंजाब नेशनल, पंजाब नेशनल, पीएनबी। हाँ, सो कोई कहे भाई पंजाब नेशनल बैंक में जाके, अंदर जाके मैनेजर को, मैं पंजाब नेशनल बैंक के आगरा हूं, तो मैनेजर का क्या? मैं आपको बताना है, पंजाब नेशनल बैंक का त्याग कर रहा हूं। तो मैनेजर क्या कहेगा?
मतलब ठीक है ना। पंजाब में ऐसी बैंक उसका था ही नहीं, तो क्या क्या आगेगा, पागलपंती है ना वो। तो ऐसे कोई कहे संसार की सारी चीज से आग रहा हूं, वो पागल है इंसान, क्योंकि उसकी चीज थी नहीं पहली बात। कोई कहेगा मैं अपना घर त्याग रहा हूं, वो बेवकूफ है, क्योंकि घर उसका है ही नहीं, वो क्या त्यागेगा। हमें तो बस ये समझना है, मेरा घर ये मेरा घर नहीं है। वो बचपन में सॉन्ग नहीं आता था पिक्चर का, ये मेरा घर ये तेरा घर, क्या था वो, ये घर बहुत हसीन है, बचपन में सुनते थे। सो उस पिक्चर में आपको, वैसे पिक्चरों की यू लर्न मेनी रॉन्ग थिंग्स, ये मेरा घर ये तेरा घर, यही प्रॉब्लम है संसार की, ये मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ये घर हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, ये पैसे हमारे नहीं है, ये विचार हमारे नहीं है, ये समय हमारा नहीं है, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, भगवान कृष्ण की प्रॉपर्टी है, हमें अभी रेंट पे दी हुई है। अभी आपने शरीर में को रेंट पे ले जाओ आया आपने, बस अब रेंट पे रह रहे हो आप लोग सब किराएदार हो, और किराएदार का करते क्या है, जब एक दिन ओनर आता है और किराएदार को क्या बोलता है, गेट आउट, खाली करो। सो ऐसे ही मृत्यु आएगी और क्या बोलेगी, गेट आउट। अब यहां पे आप मना करोगे तब भी कुछ नहीं हो सकता, आपको निकलना पड़ेगा, यहां पे तो ऐसे ही है। सो अब जल्दी समझ ले कि हम किराए पे हैं, और जिसकी वस्तु है उसकी सेवा में लगा दे, ये वैराग्य है सिंपल। तो भगवान ने 18वें अध्याय में ये क्वेश्चन उठाया, वैराग्य क्या है, आप 18वां अध्याय पढ़ो गीता का। अर्जुन ने ये पूछा, भगवान संन्यास और त्याग में क्या अंतर है, गीता में नहीं कह रहे, तो सन्यासी तो भगवान ही कह रहे हैं, जो वैरागी होते हैं वो तो सब चीज छोड़ देते हैं, जो असली त्यागी होते हैं, असली वैरागी होते हैं, वो मैं और मेरे का भाव छोड़ देते हैं, ये भावना है ना जो मैं और मेरे की, वो छोड़ देते हैं। वो छोड़ने का मतलब है कि मेरा नहीं है तो किसका है, भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाते हैं सारी चीजें, तो वो वैराग्य हो गया। भगवान की सेवा में सारी चीजों को लगाना ही असली वैराग्य है। सुबह दो चीजें करनी है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास में तो कौन थे, वैराग्य ना दुष्कृतम, जो ये करेगा उसका मन चुटकी में आपके कंट्रोल में आ जाएगा। बस यही लोग नहीं करते, कई लोग मंदिर तो जाते हैं, पूजा भी करते हैं, फूल भी डालते हैं, माला भी कर, नाम भी लेते होंगे थोड़े बहुत, माला भी करते होंगे, मगर ये दो चीजें नहीं करते, भक्ति के नियम फॉलो नहीं करते, भक्तों का संग नहीं लेते। भक्तों का संग लेते भी है तो उसमें बस भजन कीर्तन होता है, लोग चले जाते हैं, टोलिया होती है ना, टोलिया या मंडलिया, तो उसमें आएंगे, गाएंगे, गुएंगे, खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, जय गोविंदा जय गोपाल डाटा आप कर सकते हैं, बट उससे मन वश में नहीं आएगा। मन तो इससे आएगा, भक्तों के साथ नॉलेज लेनी है आपको, तभी तुम नॉलेज दे रहे हैं, प्लस भगवान का नाम लेना माला पे, और वैराग्य करना। वैराग्य मतलब सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाते जाओ, जितनी हो सके लगाओ सेवा में। अगर आपको समझ आ गया ना ट्रिक, तो मन तो आपकी मुट्ठी में, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ट्रू है, आप बताना फॉल्स ट्रू। सो मैं अपना समय खराब कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट ठीक है गलत है, ट्रू या फॉल्स, हाउ मेनी पीपल से ट्रू, समय का खराब कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ ट्रू है फॉल्स है, मैं कमेंट्री नहीं चाहता। यस, हाउ मेनी पीपल से ट्रू, क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मुझे पता है। सपोज मैं कहूं, मैं कहूं अपने लिए कि मैं अपना समय खराब कर रहा हूं, मैंने भक्ति नहीं की और टीवी देख लिया और समय खराब कर दिया मैंने अपना, मतलब एक दिन मैंने मंदिर नहीं आया, 3 घंटे पिक्चर देख ली जाकर,
और फिर पिक्चर का मुझे समझ आया भैया ये क्या है, और फिर मैंने कहा कि मैंने अपना समय खराब कर दिया। ये स्टेटमेंट ट्रू है गलत है? कितने लोग कहते ट्रू है? आधा हाथ, आधा हाथ कुछ नहीं होता। ओके, हाउ मेनी पीपल से इट इज फॉल्स? मगर रीजन देना पड़ेगा, ऐसे नहीं बच्चे बच्चे क्या दोनों हाथ खड़े कर दिए, रीजन के साथ खड़ा करना पड़ेगा। जब थोड़ा मन में समझ आ जाएगी ना तभी ये सब कुछ समझ आएगा। नहीं नहीं, ये तो ये रीजन नहीं होगा। मन को समझ तभी आएगी जब उसका ध्यान उधर लगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, तो वैसे सुनने में सही लग रहा है नहीं? हम लोग भी तो कहते हैं कि भाई आज तो हमने समय नष्ट कर दिया, इस अच्छा प्रोग्राम में चले जाते है नहीं, भक्ति कर लेते, पता नहीं हम क्या यार समय खराब हो गया हमारा। मगर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि मैंने अपना समय खराब, ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि अभी भी आप समय किसका समझ रहे हो? अपना। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए मैंने अपना समय खराब कर दिया, आपको बोलना चाहिए मैंने कृष्ण का समय खराब कर दिया, क्योंकि ये समय किसका है? कृष्ण का है, ये आपका समय नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, हमें भगवान ये हमारा समय नहीं है यही समझना है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं ये सीक्रेट है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ आने लगेगी आपको चीज। अगर आपको समझ आ गया ये मन किसका है, मन किसका है? यस, अगर आपको समझ आ गया मन भगवान की प्रॉपर्टी है, और मन करता क्या है? सोचता है, सोचता है ना, मन का काम क्या है? सोचना। तो इसलिए ये विचार करने की शक्ति किसकी है? भगवान। तो क्या विचार करना चाहिए? भगवान का। ये सी मन कंट्रोल में आ गया नहीं आ गया, मगर ये पॉइंट आपके दिमाग में फिट नहीं है। आप इस मंदिर से बाहर निकलोगे ना भूल जाओगे कि ये मन भगवान का है, मतलब यही भूल जाओगे मेरे पास मन है, वो बात छोड़ो, ऑटोमेटिक पायलट पे चलोगे, कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ क्या हो रहा है पता नहीं। इस मंदिर इस प्रोग्राम खत्म होते ही आपके माइंड में केवल एक ही विचार होगा, प्रसाद, और कुछ नहीं होगा, 100% बता रहा हूं। और उसके बाद मुझे घर जाना जल्दी। भगवान को आप 100% भूलने वाले हो, चाहे मैं यहां पे अपना सर फोड़ लूं फिर भी भूल जाऊंगा, क्योंकि माया भी होती है, माया शक्ति होती है, माया शक्ति आपको भुला देगी एक सेकंड में। इसलिए भगवान कह रहे अभ्यास करो, अपने माइंड को ट्रेन करो, बार बार याद दिलाओ, बार बार याद दिलाओगे तो कभी तो दिमाग में फिट होगी चीज, तभी साधु संग होता है। साधु संग में मैं याद आता है कि गुड, ये विचार भी मेरे नहीं है, आई कांट अफोर्ड टू थिंक, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं कुछ भी कर लूं इसके साथ, ये भगवान की प्रॉपर्टी है, इसलिए मुझे बहुत केयरफुली इसके साथ करना पड़ेगा। सोचने की शक्ति भगवान की है, इसलिए मुझे भगवान के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप किसी और की प्रॉपर्टी यूज करोगे गलत ढंग से तो क्या है वो लॉ में? वो क्राइम है, क्राइम। किसी और की प्रॉपर्टी के साथ क्या कहते हैं उसको, छेड़ाखानी करना, एक कुछ वर्ड होता है लॉ में, क्या होता है किसी और की प्रॉपर्टी के साथ छेड़ाखानी करना, उसको यूज करना, इंडल्ज, नहीं इंडल्ज होते है? क्या होता है स्पेसिफिक लॉ में टर्म? नहीं, ट्रेसपास तो क्या होता है, किसी और की प्रॉपर्टी के साथ इंडल्ज करना, किसी और की प्रॉपर्टी को यूज करना अपने लिए, वो क्राइम है। ये लॉयर बैठे है नहीं, ही नोज दैट। आप किसी के घर जाओ, टिंग टिंग, आप अंदर गए, हाँ भी, वो कहेगा क्या क्या बात है, कुछ नहीं साइड में हट गया, अभी क्या हो रहा है? उसके सोफे में बैठ के टीवी चलाया, टीवी देख रहे, क्या हो रहा है भाई, साइड में हट यार, जरा फ्रिज से खाना लाना, खा पी के क्योंकि क्या हो गया भाई, जा रहा हूं मैं, चल बैठ जा, हंसने वाली बात है नहीं है? यही हम भी कर रहे हैं अपने साथ, हम अपने साथ ही कर रहे हैं, ये मन भगवान की प्रॉपर्टी है। भगवान कहां बैठे? अंदर ही है ना,
बाहर भी है मंदिर में, अंदर भी है। और ये शरीर किसका है? भगवान। और हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरा है, मान यार साइड में हट यार, कृष्णा साइड में। भगवान कहते हैं भैया वो ये मन मन को ले लेते हैं, फिर हम कहते हैं तो मेरा है, तो साइड में हटो जा। और फिर मन को इस्तेमाल करके हम कुछ भी सोचने लगते हैं। और फिर उसके बाद कृष्णा कहते हैं भैया तो मेरा है, कहते ठीक है चलो ठीक है टाटा बाय बाय, जो करना करना। दैट इज सेम सेम चीज कर रहे हैं हम, सेम चीज। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि सब क्रिमिनल है। आज आप इस उपनिषद पढ़ लो, ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगताम जगत तेना त्यक्तेना भुञ्जन्ता मा गृधा तस्य सुधनम। इस उपनिषद उपनिषदों में लिखा है कि किसी और का धन है, और जो समझ किसी और मतलब भगवान का, और जो इसको इस्तेमाल करता है अपने लिए वो क्रिमिनल है, इसलिए उसको सजा मिलेगी, इसलिए वो पापी है, इसलिए हर व्यक्ति पापी है नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति मन को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने लिए सोच रहे हैं ना। एक भी विचार आपने अपने लिए सोच लिया वो पाप है सीधा, उसी वक्त पाप में फंस गया। What do you do with that? No. इसलिए चाहे कोई बाहर में कोई भी कितने अच्छा आदमी हो, सब पापी है। कि जब तक गीता की ट्रेनिंग नहीं है आपको, माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, नहीं भगवान के बारे में सोचने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए अभ्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए, सेवा चाहिए, वैराग्य मतलब सेवा। तो तब धीरे धीरे ट्रेन होता रहता है, फिर माइंड 24 घंटे भगवान के बारे में सोचने लगता है। आप अपना काम भी कर रहे होंगे घर का, मगर माइंड भगवान के बारे में सोचेगा, स्वाभाविक हो जाएगा सोचना। तो जैसे शास्त्र में उत्तर दिया है, शास्त्र में एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक गर्लफ्रेंड 24 घंटे बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती है, युवक युवती के बारे में सोचती है 24 घंटे, किसी से प्रेम हो जाए उसको, लव एट फर्स्ट साइट है नी। तो पंजाबी में तो मुंडा कहते हैं ना, मुंडा क्या कहते हैं, मुंडा ही होता है ना, मुझे कोई कह रहा है पंजाबी में, मुझे उस मुंडे से प्यार हो गया, पहले से मुंडा क्या होता है भाई। तो मैंने उससे कहा भूल लो उसको, कहते भूल नहीं सकती मैं तो खाना खाती हूँ, सोती हूँ, स्कूल जो भी कॉलेज जाती हूँ, मुझे तो उसी की याद आती रहती है। होता है नहीं होता है। जैसे माँ और बच्चे का, माँ कुछ भी करती रहेगी उसको छोटे बच्चे का ध्यान आता रहेगा। तो सेम शास्त्रों में सेम एग्जाम्पल है, जब माइंड ट्रेन हो जाएगा तो आप काम कर रहे होगे मगर स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण चलने लगेगा। अभी नहीं है ऐसा, अभी आप भूल जाओगे क्योंकि ट्रेन नहीं है, ट्रेन माइंड नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ परफेक्शन रिक्वायर्ड, वो परफेक्शन है। सो वो परफेक्शन चाहिए हमें, वो चाहिए, वो अभ्यास वगैरह आगे से आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, स्लोली एंड स्टेडीली वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, मन लगने लगेगा भगवान में, तब कृष्णा खुश होंगे। फिर हमें हमेशा याद रहेगा कि मैं रेंट पे बैठा हूं, हमें हमेशा याद रहेगा कि माइंड मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये भगवान की है, मैं कुछ और सोच नहीं सकता, ये तो पाप है। तो इसलिए हर व्यक्ति जो गीता का स्टूडेंट नहीं है, जिसने ट्रेनिंग नहीं ली प्रॉपर, हर व्यक्ति नरक में जा रहा है, कोई स्वर्गवासी नहीं होता, चाहे वो कितने ही पुण्य आत्मा ना हो जाए, पुण्य कर लो, गीता नहीं कह रही ऐसा, नरक में जाएगा या मैक्सिमम से मैक्सिमम पृथ्वी पर जन्म लेता रहेगा। मध्य तिष्ठन्ति राजस, ऊर्ध गति नहीं होगी, ऊर्ध गति तो उसकी होती है जिसका मन वश में आता है, जिसको समझ आने लगता है कि सब प्रॉपर्टी भगवान की है, वो ऊपर जाता है, जिसको नहीं समझ आता है वो यहीं पे पड़ा रहता है। सो इसलिए तो कई लोग कहते नहीं कि हमने क्या पाप किया, कहते नहीं कई लोग हमने क्या पाप किया है, हमने क्या किसी का बिगाड़ा है, हमें क्यों दुखा रहे,
भगवान तो इतने निर्दयी है, भगवान निर्दयी है, भगवान को निर्दय कहने वाला ही निर्दय। अच्छा सो ये कहना बिल्कुल गलत है, हमने क्या पाप किया है। हर सेकंड पाप कर रहे हैं हम, क्योंकि हर सेकंड हम अपने मन को अपने लिए सोचने में इस्तेमाल कर रहे हैं। यू सी दैट इज नॉलेज ऑफ गीता। ये लोगों को पता ही नहीं, पता ही नहीं। अगर ये पता लग जाए, ये सीक्रेट पता लग जाए, तो फिर तो हर आदमी भक्ति नहीं कर ले, फिर तो हर आदमी भक्ति करेगा। दिस इज लॉजिकल। सो ये बोलने के बाद इजी लग रहा है नहीं। अभ्यास करो, डिवोटी का संग करो, क्लास में आओ, गीता पढ़ो, भगवान का नाम लो माला पे, और भगवान की सेवा करो अपनी चीजों से, अपने लिए इस्तेमाल मत करो जितना हो सके। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, 100% तो नहीं हो पाएगा, आप भूल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश कर सकते हो आप, बार बार याद दिलाओ। जब भी शीशे में अपने आप को देखोगे तो क्या सोचना चाहिए, मैं ऐश्वर्या राय हूं, मैं अमिताभ बच्चन हूं, क्या सोचना चाहिए आप बताओ। मैंने तो आपको गीता की नॉलेज दे दी, क्या सोचना चाहिए जब शीशे में देख रहे हो अपने आप को। ओके, क्वेश्चन है, जब अपने आप को शीशे में देख रहे हो क्या सोचना चाहिए। अब आपको गीता की नॉलेज मिल गई, अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी तो करना है, तो क्या सोचोगे आप। अब आपने कल अपने आप को शीशे में देखा, क्या सोचोगे है, आत्मा का, आत्मा का दिखाई दे रही है वहां। ये सोचना चाहिए ये शरीर भगवान का है, ये नहीं सोचना चाहिए मैं हूं। मगर आप नहीं सोचोगे ऐसा। आपकी क्लास एक साल तक हो गई ना गीता की, यहाँ पर कितने कितने टाइम हो गया, कभी किसी ने सोचा शीशे में देख करके भगवान का शरीर है। कितने लोगों ने सोचा, मैं सच सच बताऊ, नहीं सोचा होगा आपने। क्योंकि सुनना और अप्लाई करना दो बिल्कुल अलग चीज है। इसीलिए एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है। टीचर बता सकता है कि इसको अप्लाई कैसे, इसलिए भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि अलग अलग भक्तों की अलग अलग अनुभूति है। वो अपनी प्रैक्टिस से बता देंगे करना है तुम्हें। सो कल से जब आप शीशे में देखो अपने आप को, तो सोचो ये भगवान का शरीर है, तब ठीक है। हम भी शरीर को, हम भी हेल्दी रहना चाहते हैं। एक जो नॉन डिवोटी है, अभक्त है, वो भी हेल्दी रहना चाहता है, मगर बहुत फर्क है। वो हेल्दी रहना चाहता है अपने लिए, हम हेल्दी रहना चाहते हैं क्यों, भगवान। हमें पता है ये मशीन भगवान की है, भगवान की मशीन को तो ठीक रखना पड़ेगा ना। आप अपनी मशीन को खराब कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की मशीन खराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए डिवोटीज भी ध्यान रखते हैं शरीर का, हम भी ध्यान रखते हैं, मगर हम भगवान की प्रॉपर्टी समझ के ध्यान रखते हैं। बाहर के लोग भी ध्यान रखते हैं मगर अपनी प्रॉपर्टी समझ के। आप कहोगे उससे क्या फर्क पड़ता है, उसी से तो पूरा फर्क हो गया। एक रास्ता ऊपर है, एक रास्ता नीचे, सीधा। तमो द्वारम अधो तिष्ठन्ति तामसा, एक रास्ता नीचे ले जाएगा, तमोगुण है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्य, एक रास्ता ऊपर आ जाएगा, सतोगुण, प्रकाश, निर्मलता। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता दूं मैं आपको, है नहीं। सो ओके, सो ये तो बात हो गई, सिंपल लग रहा है, अब प्रैक्टिस करो आप, सिंपल है। बट प्रॉब्लम यहां पर ये है, अर्जुन ने फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। अब वो क्वेश्चन ये है, यहां पे लिखा है। अब अर्जुन भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, नहीं अर्जुन डल नहीं है, अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट है। तो अर्जुन ने सीधा क्वेश्चन पूछा, अर्जुन ने पूछा ठीक है भगवान, जो आप कह रहे हैं मैं करूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं भक्तों का संग लूंगा, माला पे भी नाम करूंगा, अभ्यास करूंगा, वैराग्य आपकी सेवा में सारी चीजें लगाऊंगा, मैं समझूंगा सब कुछ आपकी प्रॉपर्टी है, गुड। बट अयति ही श्रद्धेयोपेतो, अयति का मतलब होता है, यति मतलब होता है प्रैक्टिस करने वाला, यति का मतलब एक्चुअली सन्यासी होता है, त्यागी। मैं प्रैक्टिस करूंगा, बट अगर इस प्रैक्टिस में मैं असफल हो गया, असफल, अयति मतलब असफल, सर असफल हो गया, मैं कर रहा हूं प्रैक्टिस बट फिर भी माइंड कंट्रोल में
नहीं आया या पूरी तरह नहीं आया, मेरी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि पूरी तरह मन कंट्रोल में, अब डिपेंड करता है ना आपकी प्रैक्टिस कैसी है। हर हर व्यक्ति जो तबला सीखता है, हर व्यक्ति थोड़े ना तबला मास्टर बन जाता है। प्रैक्टिस सभी करते हैं, ना किसी की प्रैक्टिस ज्यादा होती है, किसी की प्रैक्टिस कम होती है। कुछ प्रैक्टिस करने वाले, कुछ फिर तबला टूर्नामेंट में जाते हैं, कुछ लोग जाकिर हुसैन बन जाते हैं। जाकिर हुसैन पता है ना आप सबको, ये अल्लाह रखा था ना उसका नाम, क्या था मास्टर उस्ताद क्या। सो ठीक है, आप सब भी प्रैक्टिस कर रहे हो मन को कंट्रोल करने की, हम भी कर रहे हैं, मगर सबकी प्रैक्टिस की जो स्पीड है बिल्कुल अलग अलग है, सबकी अलग अलग स्पीड है। तो कृष्णा क्या, हरे कृष्ण। सो अर्जुन ने पूछा, भगवान अगर मेरी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग नहीं है और मैं माइंड को कंट्रोल पूरी तरह नहीं कर पाया, मैं असफल हो गया, ठीक है, मैं उस्ताद नहीं बन पाया, तो योगा चलति मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम, मैं योग की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाया। योग की सिद्धि मतलब अपने मन को वश में करने लगा, ये गोल है हमारा, मन वश में आ गया, मैं नहीं कर पाया। काम गति कृष्ण गच्छति, उसकी गति क्या होगी, तो क्या होगा मेरा, मैंने प्रैक्टिस की अच्छी तरह की, प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई और मेरा माइंड कंट्रोल में आया नहीं, तो फिर मेरा क्या होगा। जिसका कंट्रोल में आ गया मन, वो तो भगवान तक पहुंच गया, उसने मन को वश में कर लिया, भगवान में लगा दिया, भगवान खुश हो गए। इसका नहीं आया, कुछ लोगों के पास टाइम ही कम है नहीं, टाइम चाहिए ना इसके लिए, प्रैक्टिस टाइम लगता है ना तबला सीखने के लिए, 5-6 मतलब तबला सीखने के लिए बहुत सारे 8-9 साल चाहिए उस्ताद बनने के लिए, शायद उससे भी आएगा। सो कई लोग तो अब बूढ़े हो गए, मन नहीं वाले, टाइम कम है, जो जवान है उनके पास भी टाइम कम है, पता नहीं एक्सीडेंट हो जाए। आजकल तो सबके पास टाइम कम है, हर आदमी को कैंसर हो रहा है नहीं, हो रहा है नहीं हो रहा है, हर दूसरे आदमी को पूछो क्या हो गया, यार खाना नहीं खाया जा रहा, कैंसर बहुत प्रॉब्लम हो गई है कैंसर की, लोग तो लोग मूली प्याज की तरह मर रहे हैं सीरियसली। सो टाइम कम है, हो सकता है हमारी प्रैक्टिस सही है मगर हम मर जाए, अब बताओ, हो सकता है सब कुछ सही चल रहा है मगर परफेक्शन लेने से पहले ही एक्सीडेंट हो गया, मर गए, तो कहां जाएंगे, क्या होगा हमारा। सो कृष्णा उसका उत्तर दे रहे, क्वेश्चन सही है नहीं सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमारी प्रैक्टिस में कोई खोट नहीं है मगर मिट्टी हो गई, क्या होगा। सो कृष्णा उसका उत्तर दे रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जीवन कि ये जीवन माया के ऊपर धावा बोलना है। ये भक्ति मतलब पता है क्या, भक्ति मतलब युद्ध है, किससे युद्ध कर रहे हैं हम, माया से, माया से। एक इंग्लिश में कहावत है, वेयर देयर इज लव देयर इज वॉर। सो कृष्ण से प्रेम है, माया से युद्ध है, माया हमें रोकने की कोशिश कर रही है मगर हम युद्ध कर रहे हैं, नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो कृष्ण उत्तर दे रहे हैं यहां पर, वेल कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन अगर बाई चांस तुम्हारा माइंड कंट्रोल में नहीं आया प्रैक्टिस की और तुम्हारी मृत्यु हो गई तो क्या गति होगी। कृष्ण कह रहे हैं कि कल्याण कि ऐसे भक्त का ना तो इस लोक में ना परलोक में कभी भी विनाश होता है, कभी भी विनाश नहीं होता। कृष्णा कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे भक्तों के साथ क्या होगा, ऐसे भक्तों के साथ उनको अगले जन्म में उनको अगले जन्म में शुचि नाम श्रीमताम गे, उनको अगले जन्म में भक्तों के परिवार में जन्म मिलेगा, वहीं से शुरू हो जाएगी प्रैक्टिस। नेहा भी कर्मो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, इस रास्ते पे कभी भी लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, वो परमानेंट एसेट आपका, जितनी आपने प्रैक्टिस कर ली वो आपके पास है। प्रैक्टिस तो नहीं छूटेगी ना, पैसे छूट जाएंगे, घर छूट जाएगा, बच्चे छूट जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं छूटेगी, वो आपके पास जाएगी,
आपने प्रैक्टिस कर ली, आपकी अपनी स्किल है, वो स्किल तो जाएगी ना, तो अगले जन्म में आप फिर वहीं से शुरू कर दोगे और भगवान आपको हेल्प करेंगे, ऐसे परिवार में देंगे जहां पर डिवोटीज है, और फिर नेक्स्ट लाइफ में आपको परफेक्शन मिल जाएगी। तो अगर आपने इसी लाइफ में पूरा जोर लगा दिया तो इसी लाइफ में आपको सिद्धि मिल सकती है, कृष्णा गारंटी दे रहे हैं, बट शर्त यह है आपको पूरी पूरा जोर लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंडेवर। एक इंग्लिश में कहावत है, एक्स्ट्रा फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स यू नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। सुने, तो बहुत बड़ा काम करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास भी चाहिए होता है नहीं? कोई कहे कि मैं तो एक साल में 300 करोड़ कमा लूंगा, ठीक है, तो उस प्रयास भी वैसा करना पड़ेगा, एक साल में आपको लगना पड़ेगा दिन रात, तब कमा सकते हो आप। तो आप कह रहे हो कि मैं मन को वश में कर लूंगा, वो तो बहुत ही मुश्किल है। भगवान जैसी शक्ति से आपका सामना हो रहा है, मन भगवान जैसी शक्ति से, तो पूरा प्रयास लगाना पड़ेगा तब वो काबू में आ जाएगा भगवान की कृपा से। सो आपके ऊपर है, अब आपके हाथ में खेल है, बस इन प्रश्न उत्तर का यही आंसर आ रहा है, हमारे हाथ में अब खेल है। अब आप अपनी गति खुद ही डिसाइड करोगे, अगर आप अच्छी तरह भक्ति नहीं करोगे तो रह जाओगे, अगर अच्छी तरह भक्ति करोगे पूरे शक्ति के साथ पूरी सिंसियरिटी के साथ भक्तों का संग करोगे नियम फॉलो करोगे सेवा करोगे तो इसी जीवन में निकल जाओगे, तो दोबारा कपूरथला वापस नहीं आना पड़ेगा। क्यों आना चाहते हो आप लोग, कपूरथला आना चाहते हो, यस या नहीं? कितने लोग नहीं, कितने लोग आना चाहते हैं कपूरथला वापस अगले जन्म में? हरे कृष्ण, कितने लोग आना चाहते हैं, कितने लोग नहीं आना चाहते वापस कपूरथला अगले जन्म में? मैं तो नहीं आना चाहता भाई, मैं लेक्चर देने भी नहीं आऊंगा अगले जन्म में कपूरथला, मैं आना ही नहीं चाहता। अगले जन्म में हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, इस घटिया जगह पर थोड़ा ना आना चाहते हैं, इस शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, भगवान के धाम जाएंगे। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि प्रयास करो, प्रयास करो, अपना लक्ष्य बनाओ भगवान को, और एक लाइफ कर लो। अगर आपका माइंड कह भी रहा है ना कि ये करना है, ये करना है, ये भोग करना है, ये एंजॉय करना है, मन को बोलो यार अगले जन्म में कर लियो, इस जन्म में मैं पूरी शक्ति यहां पे लगा रहा हूं, ये मेरा गोल है, देखा जाएगा। ऐसा कहते हैं ना, देखा जाएगा, बस अब मैं यही करूंगा, बस और भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। अगर आपका ऐसा संकल्प हो गया तो भगवान आपके पास ही है, बस दैट्स ऑल, संकल्प की तो बात है, फिर तो काम अपने आप ही हो जाएगा। सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज इस प्रोग्राम में आइए और ये गीता पढ़िए, गीता बाहर मिल रही है, बुक्स मिल रही है, सॉरी अंदर ही मिल रही है टेबल पर। सो इस गीता में पूरी एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। आपके पास गीता है तो एक और ले लो, गिफ्ट दे दो दूसरों को, बेस्ट गिफ्ट है। आप पार्टी से जाते हो गए, क्या देते हो उनको, मिठाई गंदी सी सड़ी हुई मिठाई, हलवाई की बनाई हुई, क्या हो गया? एनीवे चॉकलेट भी हो सकता है मेबी। सो उससे अच्छा तो गीता दो ना, किसी बर्थडे हो गीता दे सकते हो। इसलिए आप लोगों के पास 4-5 गीता होनी चाहिए घर में, कि भी कोई फंक्शन हो किसी को गिफ्ट दे दी। ओके, वैसे तो वो लोग लेंगे नहीं, मेरे लोग इतने गंदे हो गए, बहाने मारते हैं नहीं, उनको गीता दो। हमारे पास तो है ये, यही वाली वो लेना ही नहीं चाहता, वो अवॉइड कर रहे हैं नहीं, अवॉइड करते हैं भगवान को। सो गिफ्ट दे दो, दैट्स ओके, इतना तो कर ही सकते हो। सो टेक गीता, रखो अपने पास गीता, और जिनके पास नहीं है वो प्लीज लेके पढ़े, और प्लस वो कहे भक्ति संत,
आई नीड बुक्स एंड सीडीज और प्लस कुछ मेरे लेक्चर्स भी है, वो आप प्लीज खरीद सकते हैं लेक्चर्स, क्योंकि बार बार सुनने से चीजें समझ आती है, एक बार सुनने से चीजें दिमाग में नहीं बैठेंगी, बार बार सुनना पड़ता है, जैसे बच्चे को बार बार बताना पड़ता है 1+1=2, 1+1=2, 1+1=2, फिर उसके दिमाग में फिट होती है चीजें। सो ये कुछ सीडीज है, ये पूरी भगवत गीता है, एक्चुअली पूरी भगवत गीता पे मैंने लेक्चर्स दिए और ये वाली। सो आप ये सीडीज ले सकते हो वहां से और लेक्चर सुन सकते हो, आपको तो सबके पास MP3 है, सेलफोन है, तो उस पर आप लोग लेक्चर सुन सकते हो 24 घंटा, ज़्यादा अच्छा है। और ये पेन ड्राइव है, क्योंकि सीडीज का आजकल जमाना जा रहा है, सो पेन ड्राइव, ये 8 GB की पेन ड्राइव है, 8 GB मतलब आप सोच सकते हो कितना डाटा होगा इसके अंदर, तो 8 GB की पेन ड्राइव, आपको 8 GB की पेन ड्राइव भी मिल जाएगी इतनी कॉस्ट में, प्लस इसमें 100 घंटे के लेक्चर है, सब अपने फोन में डाल लो और सुनते रहो, बस आप ट्रैवलिंग कर रहे हो सुनते रहो, 50 घंटे के कीर्तन है, सो फालतू के सॉन्ग्स डाल के फोन कीर्तन से भर लो, कीर्तन सुनते रहो, घर में लगा दो सुबह शाम। जैसे मैं छोटा था ना, तो बचपन में हमारे पापा जो फादर थे, तो सुबह सुबह वो लगा देते, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो चलता था नहीं बहुत अनूप जलोटा का, सो दैट वाज ठीक है, हमारी नींद ऐसे खुलती थी, ऐसी लागी लगन, ठीक है रोज ऐसी खुलती थी, बट दैट वाज गुड नॉट बैड, नहीं है नहीं। आजकल कैसे खुलती है लोगों की नींद, आजकल गाने कैसे होते हैं मुझे पता नहीं, बड़े फनी गाने होते हैं, है चिट्टियां कलाई है, ये क्या होता है, ये एक मतलब क्या है इसका, अच्छा लड़की के लिए है, तो सुबह सुबह नींद खुलेगी, पापा उसके वो लगाए चिट्टियां कलाई है, चिट्टी कलाई है, वो बच्चा उठेगा चिट्टियां कलाई है, हाँ हाँ सो जाएगा दोबारा, सपने आ रहे हो उसको, ये हालत हो गई हम लोगों की, दिमाग में कूड़ा डालोगे तो मन दिमाग कैसे वश में आएगा। सो बेस्ट है आप ये पेन ड्राइव लो, इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन डाले हैं, मतलब जो इस्कॉन के जो बेस्ट कीर्तन हैं अमेरिका में, रशिया में, जो बहुत अच्छे 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 सिंगर्स हैं, तो आप सुनोगे तो आपको दोबारा मन करेगा सुनने, सुबह शाम बस सुनते रहो कीर्तन लगा दो, और वीडियोज है तो आप ये पेन ड्राइव्स खरीद सकते हो, पीछे स्टॉल पे मिलेगी, सीडीज मिलेगी, बुक्स है, आप प्लीज लीजिए और इस प्रोग्राम में आइए रेगुलरली, 4 to 5 प्रोग्राम होता है, जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, काफी टाइम रेगुलरली आ रहे हैं आप लोग, 1 साल से आ रहे हो ना हम लोग, पता नहीं रेगुलरली, सो बहुत अच्छा है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा ये भी लगाना चाहिए।